हे वेलकम दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, होंडा सिटी जैसी गाड़ियों को कड़ी कंपटीशन देने के लिए स्कोडा मोटर्स ने भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया स्कोडा स्लाविया को। स्कोडा स्लाविया दोस्तों एक प्रीमियम सेगमेंट की सेडान गाड़ी है जो कि लॉन्च होते ही सीधा कंपटीशन दे रही है हुंडई वरना होंडा सिटी और सियाज जैसी गाड़ियों के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम कंपेयर करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया को होंडा सिटी के साथ और देखेंगे किस गाड़ी में ज़्यादा दम देखने को मिलता है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड कर रही है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम सेगमेंट के हिसाब से बात करते हैं। सेगमेंट वाइज दोनों ही गाड़ी दोस्तों प्रीमियम सेगमेंट सेडान की गाड़ी है। जहां पर अभी आप अपने डिस्प्ले पे सबसे पहले आप डायमेंशन देखिए तो वो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम लंबाई के फैक्टर में बात करते हैं तो लंबाई के मामले में 8 mm ज्यादा लंबी है होंडा सिटी। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई के मामले में यहां पर 4 mm ज्यादा चौड़ी है स्कोडा स्लाविया। और अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई के मामले में यहां पर 18 mm ज़्यादा ऊंची है स्कोडा स्लाविया। ओवरऑल दोनों गाड़ियों की जो हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आती है। वहीं अगर हम स्कोडा स्लाविया का डिज़ाइन अगर देखो ना तो थोड़ा सा आपको फूला फूला नज़र आता है, जैसे बॉडी बिल्डर टाइप नज़र आ रहा है। होंडा सिटी का डिज़ाइन देखो तो काफ़ी पतली सी लड़की, स्लीक सी डिज़ाइन, ज़्यादा चौड़ी है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड प्रेजेंस दे रही है। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में होंडा सिटी ज़्यादा पसंद आ रही है स्कोडा स्लाविया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बूट स्पेस की बात करूँ दोस्तों, होंडा सिटी में बूट स्पेस देखने को मिलता है 506 लीटर का, स्कोडा स्लाविया का बूट स्पेस है 521 लीटर का। व्हील बेस आपको होंडा सिटी में 2600 mm का देखने को मिलता है और स्कोडा स्लाविया में 2651 mm का देखने को मिलता है। सनरूफ की बात करूं तो दोनों गाड़ियों के छत में आपको सनरूफ भी देखने का मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इंजन की। दोस्तों होंडा सिटी इस गाड़ी में कंपनी दो इंजन ऑप्शंस को देती है। पहला है 1.5 लीटर का IVTEC पेट्रोल जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 119 bhp का विद टॉर्क ऑफ 145 Nm टॉर्क। दूसरा इस गाड़ी में आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि IDTEC डीजल है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 97 bhp का विद टॉर्क ऑफ 200 Nm टॉर्क। स्कोडा स्लाविया की बात करूँ दोस्तों, स्कोडा स्लाविया में दो प्रकार के इंजन इसमें भी दिए गए हैं। पहला है 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन, यह एक 3 सिलेंडर इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 113 bhp का विद टॉर्क ऑफ 178 Nm टॉर्क। इस गाड़ी की जो पावर परफॉर्मेंस है वो काफी कमाल की देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये इंजन 3 सिलेंडर है जिसके कारण इस गाड़ी की थोड़ी सी लग्जरीनेस रिफाइनमेंट थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। स्कोडा स्लाविया के दूसरे इंजन की बात करूं तो इस गाड़ी में देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा तगड़ा इंजन, 1.5 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। यह इंजन पावर जनरेट करती है 147 bhp का विद टॉर्क ऑफ 250 Nm टॉर्क। तो अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के मामले में कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है तो यह है दोस्तों स्कोडा स्लाविया। एक चीज आपको देखने को मिलेगा, स्कोडा स्लाविया में कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है जबकि होंडा सिटी में आपको डीजल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आप कहोगे डीजल इंजन का ऑप्शन ना होने के क्या फायदे हैं और होने के क्या नुकसान वगैरह है, तो इसका दोस्तों डायरेक्ट फर्क पड़ता है माइलेज पे। माइलेज की अगर हम बात करें दोस्तों, होंडा सिटी पेट्रोल पे करीबन 17.8 kmpl का ARAI सर्टिफाइड माइलेज देती है। वहीं मैं डीजल की बात करूं तो बहुत ही कमाल का माइलेज निकल के आता है, 24 kmpl का ARAI सर्टिफाइड माइलेज होंडा सिटी देती है जो कि डीजल वेरिएंट होंडा सिटी का काफी प्रैक्टिकल बना देता है जो कि जो लोग माइलेज को भी चाहते हैं। वहीं बात करूं दोस्तों स्कोडा स्लाविया जो इसका 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है, ये माइलेज देता है 19.47 kmpl का और 1.5 लीटर वाला जो पेट्रोल इंजन है ये माइलेज देता है 18.41 kmpl का। तो अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूं ना, तो अगर आपको लग्जरी चाहिए और माइलेज चाहिए तो मेरे ख्याल से मेरा सीधा जवाब मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आप होंडा सिटी का डीजल वेरिएंट लें। वहीं अगर आपका माइलेज ज्यादा कॉन्सर्न नहीं है तो आप पेट्रोल में कोई भी गाड़ी उठा लीजिएगा, अच्छा इंजन है दोनों के अंदर। हाँ, पेट्रोल में पावर ज्यादा चाहिए तो हाँ, उस मामले में स्लाविया बाजी मार ली जाती है, लेकिन होंडा सिटी का डीजल इंजन मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम्स की दोस्तों बात करें होंडा सिटी, दोस्तों इस गाड़ी में आता है 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम जो कि एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले और 8 स्पीकर के साथ आती है। और इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा लग्जरी दिखने में लग रहा है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। स्कोडा स्लाविया की बात करूं दोस्तों, स्कोडा स्लाविया में आपको देखने को मिलता है 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम जो कि एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन के साथ आती है और इसमें भी 8 स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है। जो होंडा सिटी है दोस्तों, इसके अंदर आपको इन बुल्ट एलेक्सा भी देखने को मिल जाता है जो कि इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियाँ देती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों सेडान के हिसाब से अगर हम दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स की बात करें तो दोनों गाड़ी एक से बढ़कर एक लग रही है। वैसे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो बहुत ही मुश्किल कह पाना है कि किसका डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है इंटीरियर में। ओवरऑल ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको होंडा सिटी का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है या स्कोडा स्लाविया का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फीचर्स की दोस्तों बात करूं, फीचर वाइज दोनों गाड़ियों में फीचर में कोई कमी नहीं रखी गई है। रियर एसी वेंट, क्रूज कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, एसी हीटर, कीलेस एंट्री, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, ये सारे ही फीचर्स दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। एक चीज मुझे होंडा सिटी में बहुत अच्छा लगा फीचर्स के मामले में, वो है इसका वॉक अवे ऑटो लॉक टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर आप गाड़ी से उतरते हो और 10 मीटर से अधिक या 15 मीटर 20 जब आप गाड़ी से दूर हो जाते हो तो
गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप को लॉक कर सकती है। तो ये गाड़ी बहुत कमाल की फीचर देती है। ये मुझे एक एक्स्ट्रा फीचर जो मुझे बेहतर लगा मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोनों गाड़ी के CVT ट्रांसमिशन मॉडल में आपको गियर शिफ्टिंग पैडल्स देखने को मिलते हैं जो कि और भी ज़्यादा सोने की स्पेस सुहागा है। इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियाँ जो कि गियर शिफ्टिंग पैडल्स ला रही हैं सेडान में, और दोनों गाड़ी में दिया गया मैं कहूँगा बहुत बेहतर है। सेफ्टी की बात करें तो सो एक तरफ है होंडा और एक तरफ है स्कोडा, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। होंडा सिटी को दोस्तों मिले हैं 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। स्कोडा स्लाविया एक नई गाड़ी है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा सेफ्टी टेस्ट की, तो जब भी आएगा मालूम चल जाएगा। बाकी बेसिक फीचर की बात करता हूँ ना, ABS, CVT, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग अनलॉक, स्पीड सेंसिंग लॉक, स्पीड अलर्ट और एयरबैग्स 6 देखने को दोनों में मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर बताऊंगा जो कि मुझे होंडा सिटी में बहुत पसंद आता है, वो है इसका लेन वॉचिंग कैमरा। जी दोस्तों, फर्स्ट लेन सेगमेंट लेन वॉचिंग कैमरा दे रहा है आपको यहाँ पे होंडा सिटी, जो कि बहुत काम का फीचर है ऑन हाईवेज और नॉर्मली प्रैक्टिकली भी बहुत काम देगा आपको। वहीं अगर मैं स्कोडा स्लाविया की बात करता हूं तो मुझे भी इसमें एक फीचर और एक्स्ट्रा दिखता है जो बहुत काम करता है, वो है EDS, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग। अब ये जो सिस्टम है ना दोस्तों, ये ऑफ रोडिंग पर बहुत काम आएगा। ऑफ रोडिंग ही ना कहकर बर्फ़ वगैरह में गाड़ी फंस जाती है तो भी ये गाड़ी बहुत काम आती है, तो EDS भी एक अच्छा फीचर दिया गया है। ओवरऑल अगर मैं प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करता हूँ, सेफ्टी वाइज कहीं भी ये दोनों गाड़ी आपको निराश नहीं करने वाली है। सेफ्टी में एक से बढ़कर एक है दोनों गाड़ी। अब दोस्तों सबसे आखिरी सवाल पे आऊँगा कि कौन सी गाड़ी सस्ती पड़ती है, किस गाड़ी की क्या कीमत है, कितने मॉडल आए हैं, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा आपको इस लास्ट टॉपिक पर, और जानते हैं कंक्लूजन में कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। दोस्तों देखिए, हम अगर होंडा सिटी की मैं बात करता हूँ तो उस गाड़ी को दोस्तों पेट्रोल में 6 और डीजल में 3 मॉडल्स में कंपनी लाती है। जहाँ पर आप इसकी कीमतें देख पा रहे हैं, पेट्रोल वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 11,23,000 रुपीज़ से, टॉप वेरिएंट के लिए पे करना है 14,98,000 रुपीज़। डीजल में 3 मॉडल आते हैं, कीमत शुरू होती है 12,83,000 रुपीज़ से, टॉप वेरिएंट के लिए पे करना है 15,18,000 रुपीज़। ये दोस्तों जो प्राइसिंग देख पा रहे हैं आप डिस्प्ले पर, ये एक शोरूम कीमत है एप्रॉक्स वैल्यू में दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर अगर प्राइस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल कह सकता हूँ, ठीक है गाड़ी के हिसाब से सही प्राइसिंग है। वहीं बात करता हूँ स्कोडा स्लाविया की, तो दोस्तों स्कोडा स्लाविया पेट्रोल में 8 मॉडल्स में आती है, जहाँ पर इसके बेस वेरिएंट की कीमत शुरू होती है 10,69,000 रुपीज़ से और टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है यहाँ पर 17,79,000 रुपीज़ तक। तो यहाँ पर स्कोडा स्लाविया यहाँ पर थोड़ी सी ओवर प्राइस हो जाती है अगर हम इसकी टॉप वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो। ओवर प्राइस हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन आप फीचर ज़्यादा दे रही है ये भी बात नोट कीजिएगा, इंजन पावरफुल है। वहीं मैं इसकी बेस वेरिएंट की बात करूँ तो हाँ, बेस वेरिएंट होंडा सिटी के बेस वेरिएंट से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। मैं डीजल की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो है यार होंडा सिटी के जो डीजल इंजन है उससे प्रैक्टिकल गाड़ी इस सेगमेंट में नहीं उपलब्ध है, क्योंकि इस गाड़ी का माइलेज मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओवरऑल दोस्तों एक तरफ है होंडा सिटी जो कि आपको प्रैक्टिकलिटी ऑफर कर रही है डीजल के इंजन के साथ, पेट्रोल में दोनों गाड़ियाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लग्जरीस है, स्मूथ है, रिफाइंड है। स्पेशली अगर आप परफॉर्मेंस को लव करते हैं तो स्कोडा स्लाविया इज़ फॉर यू। मैं साफ साफ बोलता हूँ यहाँ पर, स्कोडा स्लाविया का इंजन मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा अगर आप परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहते हैं तो। वहीं अगर आप लग्जरी चाहते हैं, यहाँ पे माइलेज भी आपको मिल जाए, तो अगेन मेरा ओपिनियन कि डीजल इंजन होंडा का ज़्यादा अच्छा है सिटी में। ओवरऑल दोस्तों आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही है लुक वाइज, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर ऑटो कंपेयर को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी दो वेरिएंट्स के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में, तो यार उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, मैं 3 दिनों के अंदर उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, टेक केयर एंड गुड बाय।